बिहार की टीम को भी तसीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना उम्मीदवार का पर्चे नामजदगी वापस लिया और खमरुल्लाह साहब के हक में बहुत मेहनत की और यकीनन वो हमारी कामयाबी का एक बहुत बड़ा बाइस बना। अख्तर भाई को और खास तौर से हमारे बुजुर्ग आफताब साहब को, इतनी मेहनत आफताब साहब किए वहां पर, इतना बेलोस तरीके के साथ किए कि जब कामयाबी का नतीजा आया तो आफताब साहब मुझे रोते हुए फोन करके बोले कि सदर साहब, अल्लाह ने हमको कामयाब कर दिया। आप अंदाजा लगाइए कि 3-4 महीने पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, अख्तरुल ईमान साहब को 3 लाख के ऊपर वोट मिले। यह आसान बात नहीं है पार्लियामेंट इलेक्शन में 3 लाख वोट हासिल करना, और अख्तरुल ईमान साहब ने बहुत मेहनत की पार्लियामेंट के इलेक्शन में। मैंने देखा कि ये शख्स 15-16 घंटे सिर्फ पार्लियामेंट के इलेक्शन में, और ऐसी पार्लियामेंट की सीट कि दिन में आपको कम से कम 80 से 100 किलोमीटर का सफर गाड़ी में करना पड़ता, और माशाल्लाह बिहार के रोडों के बारे में जितना कम बोला जाए बेहतर है। अख्तर साहब बहुत मेहनत किए, और वही मेहनत जो हमने पार्लियामेंट में की, आज किशनगंज के जिमनी इंतखाबात में हमको कामयाबी मिली। मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर खमरुल हुदा साहब, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, फारूक साहब बिहार और महाराष्ट्र की असेंबली में बेबाक तरीके से मजलूम अवाम की आवाज बनेंगे, उनकी नुमाइंदगी करेंगे, और वो न सिर्फ अपने असेंबली हलखजात की तरक्की के काम को करवाएंगे बल्कि हुकूमत वक्त के सामने चुपते हुए सवालात करेंगे और आवाम के उन मसाइल का जवाब हुकूमत से पूछेंगे और उसको हासिल करेंगे।